सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्स वीपीएन हमने डिस्कस किया कि फ्लेक्स वीपीएन इज बेसिकली सिस्कोज टूल किट टू यूनिफाई ऑल टाइप्स ऑफ वीपीएन्स, जिसमें आप साइट टू साइट वीपीएन बनाना चाहते हैं, रिमोट एक्सेस वीपीएन बनाना चाहते हैं, आप हब एंड स्पोक करना चाहते हैं, फुल मैश करना चाहते हैं, तमाम तर केस स्टडीज एक ही जगह पर एक ही पैराडाइम में रहकर कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। फ्लेक्स वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंटरफेसेस की टाइप्स जो फ्लेक्स वीपीएन में होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्लेक्स वीपीएन में देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, एक तो है SVTI, वी कॉल देम स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस, और बिकॉज जो फ्लेक्स वीपीएन है दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन वर्चुअल टनल इंटरफेस प्लस IPv2, सो इन चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम फ्लेक्स वीपीएन कह देते हैं सिस्को राउटर्स में। अब जो वर्चुअल टनल इंटरफेस हैं इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेसेस हैं और एक डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेसेस हैं। स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस की एग्जांपल आपके सामने है, फॉर एग्जांपल ये दो राउटर्स हैं, लेट्स अज्यूम ये R1 है और R2 है, ये आपस में वीपीएन बनाना चाहते हैं, तो आप जो इंटरफेस टनल 0 क्रिएट किया करते थे, हमने जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में बारहा दफा ये इंटरफेस क्रिएट किया है, व्हेन यू क्रिएट दिस इंटरफेस इज नोन एज SVTI, स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस, जिसका कोई ना कोई टनल सोर्स पॉइंट होता है, कोई ना कोई टनल एंड पॉइंट होता है, यू डिफाइन अ टनल सोर्स एंड यू डिफाइन अ टनल डेस्टिनेशन। तो जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं टनल जीरो इंटरफेस दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भी टनल जीरो इंटरफेस एग्जिस्ट करता है विद द लेजेंड ऑफ पर्पल कलर और पिंक कलर, तो इसमें दोनों तरफ SVTI क्रिएट किया गया, लिहाजा ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है फ्लेक्स वीपीएन की जिसके अंदर स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस एक स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस के साथ वीपीएन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो हमें एक ये यूज केस अंडरस्टैंड करना है, सो दिस इज आवर यूज केस लेट्स से 1 वेयर वी नीड टू कॉन्फिगर अ फ्लेक्स वीपीएन बिटवीन टू स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेसेस। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायनेमिक वर्चुअल टनल इंटरफेस की तरफ चले जाएं। ये जो आपको ब्लू कलर में इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं बोथ ऑफ देम आर ऑफ नेचर डायनामिक, दे आर डायनामिक VTIs, और डायनामिक VTI बेसिकली एक इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट होता है, इट्स नॉट इंटरफेस टनल, रादर इट्स इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट। तो जो हम इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट बनाते हैं दैट काइंड ऑफ इंटरफेस इज नोन एज डायनेमिक VTI। अब डायनेमिक VTI इंटरफेस के अंदर आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं और उस टेम्पलेट में से वर्चुअल एक्सेस इंटरफेसेस, दिस VA, all of these are virtual access interfaces, ye derive hote hain, so these virtual interfaces are derived out of this virtual template, and as and when an interface comes and connects with the dynamic interface, dynamic virtual interface, for that specific request a virtual access interface is created. And this is done, automatically. You are not actually able to
configure this interface. This is configured automatically whenever somebody tries to connect. अब कौन कौन डायनेमिक वर्चुअल टनल इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकता है? यहां पर एक ब्रांच है, ब्रांच के पास एक स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि इस वर्चुअल टनल इंटरफेस का कोई टनल डेस्टिनेशन डिफाइन किया जाएगा। वो टनल डेस्टिनेशन बेसिकली ये वर्चुअल टेम्पलेट होगा। तो जैसे ये टनल इंटरफेस अटेम्प्ट करेगा to start VPN correspondence using IKEv2 with this virtual tunnel dynamic interface, अगर negotiation कामयाब हो गई तो उसके लिए एक virtual access interface create कर दिया जाएगा और इसकी तमाम तर traffic जो है वो इस interface से handle और encapsulate, de-encapsulate हो रही होगी। So, यहां हम देख सकते हैं, this is kind of a use case where we have SVTI on one end and DVTI on other end. So, हमारा एक use case ये बन जाता है। This is our use case two जो हमें study करना है कि एक तरफ dynamic virtual tunnel interface है और दूसरी तरफ static virtual tunnel interface। But still if we talk about use case 2, the use case 2 is still of site to site VPN. Yani jo hamara use case 1 hai wo bhi site to site VPN hai, jo use case 2 hai wo bhi site to site VPN ki ek kadi hai. Ab yahan par jab aap एक डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेस बनाएंगे तो उसका फायदा ये है कि हब के ऊपर आप जो एक दफा कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे वो काफी है। अब आप उसके साथ जितनी मर्जी स्पोक्स कनेक्ट करते चले जाएं, हर स्पोक के लिए ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल टनल इंटरफेस बनता चला जाएगा और इस वर्चुअल टनल इंटरफेस के ऊपर ACL और QoS पॉलिसीज वगैरह वगैरह पर साइट इनेबल की जा सकती हैं, ऑन कॉन्ट्रेरी टू वन इंटरफेस इन DMVPN, और वो एक ही इंटरफेस मल्टी पॉइंट टाइप का होता था और उसे एक ही इंटरफेस से तमाम स्कोप्स की ट्रैफिक दाखिल होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर स्कोप की ट्रैफिक वर्चुअली एक अलग अलग इंटरफेस से दाखिल होगी एंड वी कैन अप्लाई ACL और QoS पॉलिसीज ऑन दिस वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस विच इज डेडिकेटेडली टॉकिंग टू अ स्कोप but derived out of a virtual template or a dynamic virtual tunnel interface. अच्छा, अब एक तो ये है कि हम dynamic virtual tunnel interface centralized location पर बनाएं और remote locations के ऊपर SVTI बना लें। So in both of these cases, ये है तो साइट टू साइट VPN, दिस इज साइट टू साइट VPN केस स्टडी। अब इस साइट टू साइट VPN को अगर हम टोपोलॉजिकल नेम दें तो क्लियरली दिस इज हब एंड स्पोक। अब इसमें अगर हमने साइट टू साइट VPN में पार्शियल मैश बनाना है या फुल मैश करना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहां पर एक अलग से SVTI बनाएं और वो SVTI इधर के SVTI के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, यानी ये दो साइट्स SVTI टू SVTI कम्युनिकेट करें। तो ये भी एक ऑप्शन है कि हम साइट्स के दरमियान SVTI की कॉन्फ़िगरेशन कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जो साइट्स हैं ये आपस में जो टनल एस्टेब्लिश करें वो जरूरत के तहत डायनामिक एस्टेब्लिश कर लें, जस्ट लाइक DMVPN। तो ये फैसिलिटी भी हमें फ्लेक्स VPN में मिल जाती है। आप यहां पर देखें अगर तो हमारी स्पोक के अंदर SVTI भी एग्जिस्ट करता है और DVTI भी एग्जिस्ट करता है।
तो ये स्कोप में एस वी टी आई और डी वी टी आई दोनों का होना, इसकी क्या जरूरत पेश आ रही, ये हम आगे कॉन्फ़िगरेशंस में देखते हैं। इससे ये फायदा उठाया जाएगा कि जो एस वी टी आई है वो तो स्कोप का बात करेगा हब के डायनामिक वी टी आई के साथ, विच इज अवर हब एंड स्पोक टनल, जो कि डीएम वी टी एम की स्टैटिक टनल की तरह है। और जब किसी स्पोक ने किसी दूसरी स्पोक के साथ कम्युनिकेट करना है और हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली आपस में टनल कर लें ट्रैफिक को, तो वो अपने डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेसेस को इस्तेमाल करेंगे और इनके जरिए एक दूसरे के साथ शॉर्टकट कर लेंगे। यहां इस काम के लिए आप फ्लेक्स वीपीएन के अंदर एड ऑन यूज करेंगे एनएचआरपी का, जो कि हम पहले से डीएम वीपीएन में इस्तेमाल कर चुके हैं। एनएचआरपी इज ऑल्सो यूज इन फ्लेक्स वीपीएन, बट ओनली वेन यू वॉन्ट टू हैव स्पोक टू स्पोक डायनामिक टनल्स क्रिएटेड। तो अगर इस फीचर को सामने ले आया जाए तो फिर इवेंचुअली डीएम वीपीएन का ये ऑलमोस्ट कंप्लीट नेम बदल है, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीएम वीपीएन हम फ्लेक्स वीपीएन को ही यूज कर सकते हैं फॉर स्पोक टू स्पोक साइट टू साइट डायनामिक कम्युनिकेशन एज वेल। तो जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि फ्लेक्स वीपीएन जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल सोल्यूशन है, इट हैज गॉट ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो अगर साइट टू साइट के यूज केसेस देखें तो एस वी टी आई टू एस वी टी आई एक ऑप्शन है, एस वी टी आई टू डी वी टी आई एक ऑप्शन है, एंड देन वी हैव स्पोक टू स्पोक विच इज डी वी टी आई टू डी वी टी आई। तो ये तो सारे पैराडाइम्स हैं जो कि साइट टू साइट की मद में हमें एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा हमारे पास जो यूज केस अवेलेबल है वाइल staying within the same technology, that is obviously of remote access VPN. तो इसी configuration को इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें थोड़ा सा इजाफा करके हम इस DVTI के ऊपर एक remote user को जो कि एक machine पर है उसकी IPsec tunnel भी terminate कर सकते हैं। यहाँ पर हम Microsoft का IP v2 डायलर भी यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर सिस्को का एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं और उसमें हम उसकी IPsec फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। सिस्को का जो एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर है ये SSL को भी सपोर्ट करता है, जो कि हमने अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में और फाइनल फेज में इसको कन्फिगर करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन एनी कनेक्ट जो है वो IPsec के हवाले से भी यूज हो सकता है। सो व्हेन यू विल यूज एनी कनेक्ट फॉर IPsec मींस IPsec एंड IPv2, तो आप एक पीसी से एक डायनामिक वर्चुअल टनल इंटरफेस के साथ टनल एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, जस्ट लाइक हमने L2TP टनल एस्टैब्लिश की थी इन द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो यही कॉन्फ़िगरेशन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये हमें कॉम्प्लीमेंट करेगी for remote access VPN as well। तो आप देख सकते हैं कि type of interfaces हैं static virtual tunnel interface, type of interface है dynamic virtual tunnel interface, उसकी आगे दो शाखें हैं, एक virtual template है और उस virtual template में से derive होता है virtual एक्सेस इंटरफेस, एंड दिस इज बेसिकली योर टनल इंटरफेस। इसमें रहकर तमाम चीजें साइट टू साइट एज वेल एज रिमोट एक्सेस सिस्को iOS में पॉसिबल है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लेक्स वीपीएन। So any questions so far?